हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू विकास फिटनेस गाइड वंस अगेन। सो आज का वीडियो, आज हम बात करने वाले हैं बनाना रेसिपी फॉर वेट गेन और बनाना शेक फॉर वेट गेन। क्या ये बनाना वेट गेन में आपकी हेल्प करता है, तो मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, बनाना एक बहुत अच्छा फ्रूट है। एक तो सबसे चीप फ्रूट है, मार्केट में आप जाओगे तो आपको हार्डली 30 रुपए किलो, 40 रुपए, 30 रुपए किलो तक, 20 रुपए किलो तक आपको मिल जाता है। मतलब आराम से आपको 1 kg बनाना इजिली आप अवेलेबल है मार्केट के अंदर। और सबसे बढ़िया एक इसकी जो न्यूट्रिशन फैक्ट की अगर मैं बात करूं बनाना के बारे में, अगर आप 100 ग्राम का बनाना खाते हैं तो आपको पोटेशियम मिलता है करीब 350 mg अराउंड, और मैग्नीशियम मिलता है अराउंड 60 mg, और इसमें काफ़ी कुछ भी है, कैल्शियम मिलता है, आयरन 1% आपको आयरन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है। B12 इसमें नहीं है, आपको बता दूं। बेसिक्स आपको मिल जाएगा अराउंड 20%, मतलब 20 mg करीब बेसिक्स आपको मिल जाता है इसके अंदर। तो इस टाइप से ये बनाना बहुत अच्छा फ्रूट है। और न्यूट्रिशन इसमें बता देता हूँ मैं आपको, अगर आप एक बनाना आप खाते हैं तो आपको अराउंड 100 ग्राम का बनाना खाते हैं तो आपको अप्रॉक्स 90 कैलोरीज मिलती है। और जो कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अंदर अराउंड आपको मिलता है 20 से 24 ग्राम, डिपेंड करता है, 18 से 24 ग्राम भी हो सकता है, मिनिमम आप 20 ग्राम मांग के चलिए। तो 20 ग्राम आपको कार्ब्स मिलता है, शुगर मिलती है 12 ग्राम, और प्रोटीन है इसमें 1.1 ग्राम का, डाइट्री फाइबर मिलता है आपको 2.5 से 3 ग्राम, डिपेंड करता है बनाना के साइज के ऊपर, कितने ग्राम का है और साइज क्या है बनाना का स्पेशल, ठीक है। और दोस्तों, बनाना शेक आप होममेड नेचुरल शेक भी आप घर पे बना सकते हैं। अगर आप वे प्रोटीन यूज करना चाहें तो चॉकलेट फ्लेवर वे प्रोटीन आप यूज कर सकते हैं रेसिपी के तौर पे। यूज करने का तरीका ये है, पहले आप एक बनाना लीजिए, उसे आप मैश कर सकते हैं। मैश करने के बाद बनाना को ग्राइंडर में डाल के उसे पूरी तरह मिक्स कर लीजिए। जब वो अच्छी तरह मैश हो जाए बनाना, एक मिक्सी में डालने के बाद बिल्कुल मैश हो जाएगा, मतलब बिल्कुल पिस जाएगा वो। पिसने के बाद उसके अंदर आप एक वे स्कूप डाल सकते हैं, 1 ग्लास उसमें आप मिल्क डाल लीजिए। मिल्क डालने के बाद उसमें आप नट्स चाहे तो नट्स भी डाल सकते हैं, और चॉकलेट फ्लेवर का वे प्रोटीन आप डालते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और साथ में आप हनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और 1 कप आप इसमें वो डाल सकते हैं, 1 कप तो ज्यादा हो जाएगा, आई थिंक 1/2 कप वोट डालिए, वो ही काफी होता है, ठीक है। मतलब करीब 100 ग्राम आप उसमें ओट्स डाल सकते हैं करीब, तो काफी अच्छा। उसके बाद आप उसको ग्राइंडर में चला देंगे करीब 5 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छा आपका एक वेट गेन शेक रेडी हो जाता है, जिसमें आपको प्रोटीन मिलता है, कार्ब्स मिलता है, शुगर भी अच्छी मिलती है। तो एक नेचुरल वेट गेन शेक है। मार्केट में बहुत से वेट गेन पाउडर्स अवेलेबल है, तो उनके बजाय आप घर में होममेड वेट गेन शेक यूज कीजिए। अगर आप वे प्रोटीन यूज नहीं करना चाहते, सिर्फ आपको कैलोरीज चाहिए वेट गेन करने के लिए, तो आप उसकी जगह आप बॉर्नविटा पाउडर यूज कर सकते हैं, या चॉकलेट पाउडर भी यूज कर सकते हैं एज अ वेट गेन रेसिपी, क्या कहते हैं, वे प्रोटीन के ऑप्शन के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें आप यूज कर सकते हैं चॉकलेट पाउडर या बॉर्नविटा पाउडर, कोई भी चॉकलेट पाउडर अच्छा चलेगा, तो उसमें भी आपको बहुत सा शेक आपका तैयार हो जाएगा, जिससे आपको कैलोरीज बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको बनाने के बारे में बताया। तो बनाना का सबसे बेस्ट यूज है, अगर आप वेट गेन चाहते हो तो आप वे प्रोटीन के साथ बनाइए, तो आपको कैलोरीज करीब 600 ग्राम, आप 600 कैलोरीज आपको मिलती है एक वेट गेन शेक के अंदर बनाना, जब आप बनाते, जो मैंने आपको रेसिपी बनाई। प्रोटीन आपको अप्रॉक्स करीब 32-1 ग्राम मिल जाएगा। फैट जो है करीब 13-14 ग्राम आपको फैट भी मिलता है, शुगर भी आपको मिल जाती है करीब 20-21 ग्राम आपको अच्छे मिल जाती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो थैंक यू दोस्तों, दिस इज विकास, हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।